हेलो गाइस, तो मैंने अभी कैमरा इसलिए उठाया है कि कल आपने देखा हमारी राखी की शॉपिंग, राखी हमने खरीद ली और दूसरा हम लोगों ने मतलब छोटे मोटे जो हमें करना था काम को सारा बचा हमने निकाल लिया था। अब हम राखी तो करेंगे कल सेलिब्रेट यानी कि 12 तारीख को और हम लोगों ने कल मतलब छोटे मोटे काम सारे निकाले, मेहंदी लगाना और हमें थोड़ा पार्लर का काम करके आपने देख लिया होगा, राखी खरीदना। अब हमें जाना है वृंदावन। श्री राधे श्री राधे, काले आ रहे हो? कोई बात नहीं, चलो आओ। मैं अपनी बुक्स भी ले लेती हूँ। राधे 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 राधे, गणेश भगवान की जय, भगवान की जय। राधे राधे। तो गाइस, ये हम परिक्रमा यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। अभी टाइम हुआ है 7 बज चुके हैं और यहाँ से परिक्रमा हम स्टार्ट कर रहे हैं। रानी की जय, महाराज की जय। राधा मीठो नाम हमारी राधा रानी को गाना है ले, फिर बार से ध्यान लगाए बना लिया जाता है। राधे राधे माता, राज मंदिर पे और हम लोग यहीं पे मतलब दूध और पेड़ा चढ़ाएंगे जो चढ़ता है, लेकिन क्या रात में नहीं चढ़ता? रात में नहीं चढ़ता है, हम वैसे ही दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। चलो
पे चढ़ता है दूध और पेड़े, और इस टाइम जो है थोड़ी भीड़ है, तो शीतल और भैया ही अंदर गए हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय। तो अभी वो लोग गए अंदर। और हम अभी मतलब टी ब्रेक पे कह लो या फिर रेस्ट के लिए कह लो, हम ऐसे बैठे हैं, हम तो चाय आएगी तो हम चाय पियेंगे और फिर हम अपनी दूसरी परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। तो राधा रानी, जो राधा रानी जो आते हैं उनको ऑब्वियसली पता ही होगा। तो हम लोग बस अब सेकेंड वाले परिक्रमा स्टार्ट करेंगे और उसका थोड़ा बहुत शूट करेंगे। अभी बस हमारी चाय आ रही है तो चलो चाय पीते हैं। कन्हैया टी स्टॉल पे जरूर चाय पीना, ये आपको बिल्कुल मतलब बहुत आसानी से मिल जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे आपके बहुत जरूर आई। चलो तो हम चाय एंजॉय कर लेते हैं। अभी हम यहाँ से शॉप देखते हैं ड्रेस कान्हा जी की, क्योंकि मोस्टली क्या हो रहा है ना यहाँ पे सारी शॉप बंद है। तो अभी हम इस शॉप पे हैं श्री गिरिराज पोशाक, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई ड्रेस हमें अपने कान्हा जी की पसंद आती है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी शॉप सारी क्लोज हो गई हैं क्योंकि जन्माष्टमी का टाइम है यहाँ पे, और जो है इन्होंने बोला आफ्टरनून में। हाय। तो यहाँ पे जो है जन्माष्टमी का टाइम है तो आफ्टरनून में हमें देखना पड़ता है, शॉप चलानी पड़ती है, इसी कारण ये रात पे बंद कर रहा है। अदरवाइज यहाँ पे पूरे नाइट यहाँ पे शॉप ओपन रहता है। तो आओ देखते हैं। ड्रेसेस है, अगर आप लोगों को आना तो राधा रानी की परिक्रमा जहाँ स्टार्ट होती है तो यहाँ भैया के शॉप पे आप आ सकते हैं। ये श्री गिरिराज पोशाक भंडार, तो आप यहाँ पे आके जरूर विजिट करिएगा। ये भैया ऑनलाइन भी करते हैं, तो जिसे ऑनलाइन मंगाना है ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं आप। फिलहाल हमें ये वाला जो है पसंद आई है एक ड्रेस, ये वाला
सेलेक्ट किया है और हमने ये वाला सेलेक्ट किया है। आप बताओ तो कौन सा अच्छा लग रहा है दोनों में से? अच्छी तो लग रही है मतलब। तो अभी भैया ने एक ये वाली कलर मतलब ड्रेसेस दिखाई है और एक ये वाली दिखाई है। ये वाली है 500 रुपए की, इसमें डबल जो बड़ा और मोड लग रहा है ना दूसरी वाली, ये वाली 600 रुपए की आपकी। अलग रहता भी है वो डिजाइन सब अलग रहते हैं। सही रेट बताओ भैया कैमरे में। अपने यहाँ पे गलत रेट ना है। तो अभी आपको सारी सिलेक्ट करके दिखाते हैं कि हमने कौन कौन से सिलेक्ट करी है। तो गाइस हमारा सिलेक्शन हो गया है, हमने ड्रेसेस ले लिए हैं काफ़ी सारी, बट कब? जन्माष्टमी के ब्लॉग में, क्योंकि जन्माष्टमी का भी ब्लॉग जल्दी आने वाला है और ये सारी ड्रेसेस हमारे काना उसी दिन पहनेंगे। ऑल डन। ये मुकुट है इनका, मम्मी देख रही है ड्रेस का, बता दो तो उसमें कम नहीं करोगे? तभी करेंगे सर। ये तो हमारा फाइनल हो गया है ड्रेस और पैक। चलो 12:30। राधे 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 राधे। तो हम यहाँ पे आए हैं पान ले लेने, बहुत सुंदर सुंदर पान। मम्मी वो पिंक वाला सही नहीं लग रहा? यहाँ पे सब बहुत सारे सामान दिखाओ। स्कूटी के लिए ले लो नींबू मिर्च। स्कूटी के लिए ले लो 80 रुपए। तो हमने आप शॉपिंग हमारी डन हो चुकी है बिल्कुल। तो शॉपिंग हमारी डन हो गई। डन डन। अंकल कितने का है पान? 280। और ये वाला अंकल 500 का ये? अच्छा तो शॉपिंग हो गई हमारी, शॉपिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। और ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि हम आगे जाके और भी कुछ देख सकते हैं अभी। अच्छा मतलब पर्टिकुलर ऐसा हमारी कोई नहीं है कि हमारी प्रॉपरली हो चुकी है अभी, तो देखते हैं अगर कुछ और लेना चाहे मन कर गया तो और भी देख लेंगे। हेलो राधे राधे। तो क्या कहना चाहेंगे आप शॉपिंग वाले हॉल के लिए? मतलब बहुत अच्छा लगा शॉपिंग करके और मतलब बहुत अच्छी नया मतलब कुछ देखने को मिला। और हमने मतलब आप देख ही लोगे, वैसे हमने ज़्यादा कुछ उतना खरीदा नहीं है लेकिन जितना भी खरीदा है वो सिर्फ हमने छठी के लिए और जन्माष्टमी के लिए खरीदा है। वो आप हमारे ब्लॉग में देखना जो सेपरेट हमारा जन्माष्टमी का आएगा। तो चलो हमने स्टार्ट कर दिया, अब दोबारा से चलते हैं।
और कंप्लीट करते हैं राधा रानी की परिक्रमा। तो गाइज अब हम यहाँ पे खा रहे हैं राधा रानी की परिक्रमा में कुकुम्बर। हाँ तो अभी हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ पे सारे चाट पकौड़ी है। कहते हैं जब राधा रानी की परिक्रमा के लिए आते हैं तो खा के जरूर जाना चाहिए। ऐसा कोई नहीं कहता, ऐसा सिर्फ ये कहती है। किसने कहा? नहीं कहता ऐसा, ना कहीं लिखा है, ना कहीं लिखा है, ना ऐसा कोई कहता है। बस ये अपनी तरफ से बना के बोल रही है, वो अपनी मर्जी है, खाओ या पियो। मम्मी यहाँ पे आते तो खाना चाहिए ना, राधा रानी की परिक्रमा में जब आते तो खाना पीना चाहिए ना। अंकल जी खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? आपकी चॉइस। वेरी गुड। तो मतलब गुड आंसर है, कोई जबरदस्ती नहीं किसी तरीके का। हाँ, जिसका मन हो, जिसकी इच्छा हो वो खाओ, है बैठना जरूरी है बस। ठीक है, अच्छे मिनट के लिए विश्राम जरूरी है, आप बैठो। हाँ, उसके बाद खाओ। बैठ के मन कर जाता है थोड़ा। तो चलो हम भी इंजॉय करते हैं और आप भी इंजॉय करो। अभी यहाँ पे हम लोगों ने कुछ शॉपिंग कर ली थी, थोड़ा हम लोग यहाँ मेले भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा होगा वृंदावन में जो आते हैं यहाँ पे, कितनी हालत हो रही है, थोड़ा म्यूजिक चल रहा है। यहाँ पे क्या होता है ना, वो लॉन्ग स्कर्ट और ऊपर कोटी दुपट्टा वगैरह होता है, तो हम उसी शॉप में जा रहे हैं। हम ऑलरेडी खड़े ही हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, ये 250 का है, ये सारी लॉन्ग स्कर्ट है। यहाँ से देख सकते हैं ये 200 के सारी कुर्तीज है, ये भी टॉप वगैरह कुर्तीज़ वगैरह है। यहाँ पे सारी कुर्तीज़ वगैरह है, स्कर्ट वगैरह। और ये देखिए, ये छोटे छोटे बेबी के लिए बहुत प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे से हैं सारे। आपको यहाँ पे जयपुरी कलेक्शन मिलेगा, ये सारे जयपुरी है। देन ये स्कर्ट है, ये टॉप है, ये बॉटम है, और यहाँ पे सारी लॉन्ग स्कर्ट है। और ये जो है गर्ल्स के हैं। हेलो, क्या देखा है? जयपुरी स्कर्ट, जयपुरी स्कर्ट है, ये थोड़ी इसका शॉर्ट है, शॉर्ट है। और यहाँ पे ये सारी आपकी जयपुरी है, और आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे भी सारी जयपुरी है। ये अच्छी लगी है हमें, क्योंकि यहाँ का जो मतलब थोड़ा ड्रेसिंग सेंस होता है वो लॉन्ग स्कर्ट ज़्यादा पहनी जाती है। आई मीन एज योर विश, पहनना चाहो पहन सकते हो, नहीं पहनना चाहो मत पहनो। और हमें ये दोनों भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये थोड़ा कॉस्टली है। ये 7 कितना का बताया था, मैं भूल गई, 1700, एंड देन ये 1200। और ये भैया ने अभी दिखाया है, ये बॉटम है। टॉप कैसा है? अभी आपको टॉप भी दिखाएगी। इसके साथ दुपट्टा नहीं है ना? तो ये आपका टॉप है और वो बॉटम है, ठीक है। ये सारे कॉटन के हैं, ये भैया दिखा रहे हैं आपको। ये बॉटम है। वाओ, क्या प्राइस है भैया इनका? ये 450। 450 का दुपट्टे की भी काफी अच्छी लेंथ है। आपके पास इसका ब्लाउज, ये इसका ब्लाउज है, जैसा आप चाहो वैसा इसको। ये अनी स्टिच्ड है, वो तो दिखाओ उसका। देख सकते हैं आपको कलर भी बहुत सारे अवेलेबल है, जैसे कि भैया की शॉप पे। और आप भैया की शॉप पड़ती है राधा रानी की परिक्रमा जब हम करते हैं राधा कुंड से, राधा कुंड से पहले पड़ती है। क्या नाम है भैया की शॉप का? ये हमारी अभी शॉप का नाम क्लियर हुआ नहीं है, ओके, 2-4 दिन हो जाएगा। वैसे हमारे सामने रामलीला मैदान। अच्छा, तो अभी यहाँ पे तो अभी यहाँ पे शॉप का नाम कंफर्म नहीं है, बट ये शॉप के आगे रामलीला मैदान मैदान है। तो आपको अगर आना हो तो आप यहाँ से अकॉर्डिंग आ सकते हैं। तो ये भैया ने यहाँ से धोती भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो भैया ने दो धोती लिया है, एक व्हाइट कलर की है और एक मस्टर्ड कलर है, मस्टर्ड एक और ये क्या है, ये इसको उपन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपन्ना बोलते हैं, उपन्ना इसको जो ऊपर की साइड लेते हैं, ये उपन्ना लिया है। तो ये तीनों चीज, ओके, क्या ले रहे हो?
में ये है कॉटन की 750 रुपये की ड्रेस है। ये पूरा सेट कम्प्लीट है। ये इसका ऊपर का टॉप है, ये इसका पूरा दुपट्टा की लेंथ काफी है। देखो बहुत है मम्मी कहाँ गई। और ये प्योर कॉटन है, ठीक है, सारे कलर लग रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, यहाँ पे कलेक्शन काफी है। क्या क्या ये ना 2000 चांदी की चैन बनवाई थी 7000 रुपए की। क्या लगा तो ये पहनेगा? इन्होंने बोला 350 तो मुझे लगा कि 350। उन्होंने बाद में बताया कि 350। फिर दीपू के होश उड़ गए, ये वापसी आ गई। और वैसे आप लोगों को पता, ये दबे पाँव आ गई आगे और नंगे पाँव। यहाँ पे जो है ना राधा कुंड की सारी लाइन आपको इसी चीज़ की मिलेगी, मतलब तुलसी जी की माला की। तो ये अभी आपको कुछ बताएंगी मैं बताइए। बता रही थी कि यहाँ पे जो राधा कुंड से हमारा यही लाइन स्टार्ट हो जाती है, बल्कि राधा रानी की जो परिक्रमा स्टार्ट होती है वो इन्हीं से, मतलब तुलसी जी की माला से स्टार्ट हो जाती है। और आप भी लेकर जरूर जाना। हम लोगों ने भी जो सारी माला हमने पहन रखी है, सब ने हम मतलब मेम्बर्स ने हमारे फैमिली सब ने यहीं से ही पहनी है। और इतने अच्छी माला मतलब बहुत अच्छी मिलती है। और ये वीडियो हमारी स्पॉन्सर नहीं है, मतलब फर्स्ट मैं आपको ये बात बता दूँ, स्पॉन्सर कुछ भी नहीं है, मतलब स्पॉन्सर क्या, हम तो ऐसे ही रैंडमली गए और कुछ भी जो भी हमें मतलब लेना था तो हमने वहाँ पे मतलब किसी, जैसे हम शूट करने लगे थोड़ी बहुत ऐसी बातें बना ली, मतलब लोगों से टाइम पास कर लिया, जो कि हम मोदी नगर में कभी नहीं कर सकते क्योंकि होता है ना थोड़ा यार स्टार्टिंग में हमें थोड़ा शाय फील होता है, सो दैट्स व्हाई। तो देखो ये परिक्रमा मार गए थे घर को जाना में, तो हम लोग बस अब हमारी परिक्रमा हो गई है, तो मतलब अभी थोड़ी सी रह रही है, चलो देखते हैं कितनी देर में वो कंप्लीट होती है और हमें यहाँ जाना है सीधा सीधा, सब दिखा देंगे। चलो तो चलते आगे। अभी हम लोग चल रहे हैं गाइस और थोड़ी सी हमें यहाँ पे रश होते हुए नजर आया है। हमेशा यही बोलती रहती है कि मेरे को कैमरे में नहीं लेती, कैमरे में नहीं लेती, तो आप बताइए कि मैं उसको कैमरे में लेती हूँ या नहीं लेती। और सबसे ज़्यादा कैमरे में कौन नज़र आता है वो भी बताइएगा। और मेरे को ये बिल्कुल भी कैमरे ये मुझे कैमरे में बिल्कुल भी नहीं लेती। मैं ऐसे देखो, अब मैं कैमरा किसने लिया? मैं यूँ झाँकती हूँ लिटरली, मैं झाँकती हूँ, अभी मैं झाँक रही हूँ, देखिए देखो मैं सबको लेती हूँ। देखो हमारी लड़ाई बच रही है, कैमरे में कौन आ रहा है? और बताइए कैमरे के पीछे, कैमरे के पीछे हम लोगों का इतनी लड़ाई बजती है ना, मतलब सच्ची में फेमस हो जाओगी आप। प्लीज हमें अनसब्सक्राइब, हमें अनसब्सक्राइब मत करना है इनको देख के प्लीज। हेलो गाइस, स्माइल, हम्बल रिक्वेस्ट। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मतलब यहाँ पे हर एक चीज देख के इतना अच्छा लग रहा है, मतलब करी हमने पहले भी शॉपिंग, यार हमने शॉपिंग करी यहाँ से पहले भी बहुत सारी, लेकिन और हर बार हम यही आते शॉपिंग करने। अंकल राधे राधे, यहाँ पे सारे लोग ऐसे देखते हैं, चल रहे। तो हमें यहाँ पे शॉपिंग करके बहुत, अभी हमारी पता है परिक्रमा थोड़ी रह दिया, तो चलो अभी मैं रखती हूँ थोड़ा सा, चलो अभी आगे चलते हैं। तो हम लोग दोबारा रुके हैं, आप कह रहे होंगे कितना रेस्ट करें, हम लोग लेने आए हैं यहाँ पे दूध, हम लोग दूध पी रहे हैं, गरम गरम यहाँ दूध पी रहे हैं। और भैया का दूध वहाँ रखा है, भैया का दूध वहाँ रखा है, भैया का दूध वहाँ रखा है, जो मतलब यहाँ पे बहुत मतलब अच्छा दूध है, जो फूक क्या बोलते हैं, फूक के दे रखा है। अरे कहना क्या चाहते हो? कुल्लड़ वाला दूध है, कुल्लड़ वाला, और टैक्स टैंक के अंदर बहुत सारे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। चलो हम एंजॉय करते हैं, आप देख के करो। तो हम लोग अपनी परिक्रमा कंप्लीट करके आ चुके हैं और हम लोग अब जा रहे हैं मामा के घर।